चलिए हम, तो ये हमारी रही कुछ दो नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर लिम्ब। ये मतलब कि पूछा जाता है कि आयुर्वेद में इस अस्थि को क्या बोलते हैं, तो उस बेस पे एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है, तो सोचा कि ये भी मतलब कि इंपॉर्टेंट है, लिखनी चाहिए। ठीक है, अपर लिम्ब को हम बोलते हैं आयुर्वेद में ऊर्ध्व शाखा। ऊर्ध्व यानी कि ऊपर और लोअर यानी कि अधो, यानी कि अध मतलब नीचे की साइड। ठीक है, तो अपर लिम्ब की बात कर लेते हैं। फिर सबसे पहले अभी क्लेविकल, तो क्लेविकल को हम बोलते हैं अक्षका अस्थि या फिर जत्रुक अस्थि। ये अक्षका अस्थि लिखा है और ये जत्रुक था और उसके नीचे ये, ठीक है ना। इसके बाद स्केपुला यानी कि असम फलक, ह्यूमरस प्रकंडास्थि, इसके बाद हमारा अल्ना अंता प्रकोष्ठा अस्थि। ठीक है, उसके बाद आता है रेडियस यानी कि बाह्य प्रकोष्ठास्थि, प्रकोष्ठास्थि। ठीक है, उसके बाद कार्पल्स, इनको बोलते हैं पाणिकूर्च अस्थियाँ। तो हमारी अपर लिम्ब की होगी। अब हमारे लोअर लिम्ब की भी देख लीजिए, जो लोअर का लोग अधोशाखा पता ही हमको, हिप बोन, इसको हम बोलते हैं नितंबास्थि या फिर श्रोणि फलक। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको शुरू में सुनने में थोड़ा मतलब कि अजीब सा लगेगा, पर एक्चुअली में मुझे भी लगा था, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप इसको एक बना लीजिए टेबल पर्चा में चिपका के, इसको जहाँ पर आप पढ़ते हैं या फिर सोते जागते हैं, तो आप उसको एक बार सुबह जगने के बाद और सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको ये आराम से याद हो जाएगी। तो आपको पता होगा कि ये बोन के तीन पार्ट्स होते हैं, इलियम, ईसियम और प्यूबिस। तो इलियम को हम बोलते हैं जगन का पाल, ईसियम को बोलते हैं कुकुंद्रास्थि और प्यूबिस को बोलते हैं भगास्थि। ठीक है, और उसके बाद ये फीमर, इसको हम बोलते हैं उरुअस्थि, देखिए उरु यहाँ पे आ गया जो मैंने अभी बात करी थी। और टिबिया को अंतर्जंगास्थि, पटेला को जानु का पाल, टार्सल्स को बोलते हैं पादकूर्च अस्थियाँ। ठीक है, याद रखना है आपको, पाणी बोलते हैं हम अपने हैंड्स की बोन्स को, और जो तो पाद यानी कि पाद का मतलब होता है पैर। ठीक है, और फिबुला हमारी की बाह्यंगास्थि। तो वो ये आपको क्लियर हो गया होगा, वो लिख लीजिएगा और साथ में ही उसके नोट्स भी आप तुरंत तुरंत बनाते जाइएगा। चलिए, हमारे अभी कंप्लीट हो चुके हैं।